लेकिन जिस समय अंग्रेज़ों ने गंगा नहर बनाई तो उस समय जो था गंगा नहर बनाने के लिए उन्होंने हर तरह के प्रयोजन किए और जो उस समय की प्रौद्योगिकी थी उसे अपनाया। तो ये जो रेल हर की पैड़ी जो इस समय गंगा नहर सूख गई और एक ट्रैक निकली रेलवे की, तो वो जो था ये जो ढुलाई का सामान नहर बनाने के लिए लाया जाता था उसके लिए ट्रैक जो थी रूढ़ी वेल वाला से होती हुई हर की पैड़ी और आगे तक जो है प्रयोग होती थी लालजी वाला तक, तो वहाँ तक ये जाया करती थी और इसमें उनका सामान ढोके ये लोग ले जाया करते थे। हम छोटे थे तब से हम इसको देख रहे हैं। गंगा पार एक बहुत सुंदर मैसूर पार्क की नकल पे पार्क बना हुआ था और अंग्रेज अफसर जो हैं डाम कोठी से लाल कोठी तक इस ट्रैक पे, जैसे वो रेलवे की ट्रॉली चलते हैं ना रेलवे लाइन चेक करने वाले, उस टाइप की ट्रॉली में एक बेंच लगी हुई थी, उस पे अंग्रेज अफसर जाते थे ऐसा हमने सुना, क्योंकि हमारा बर्थ तो आज़ादी के बाद का है 53 का। अब उस लाइन को हमने देखा बचपन में, 62 का कुंभ था वो हमें अच्छे तरीके से याद है, उस टाइम भी तो उस टाइम हम बच्चे उस ट्रॉली में घूमे भी बैठ के। आज़ादी के बाद जो था फिर उन्होंने उसको जो है जो सरकार थी हमारी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की, उन्होंने इसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। तो हम भी जब बचपन में जब जाते थे अपने पिताजी के साथ तो तब भी हम बचपन जो थे चौधरी ट्रैक में जो थी रेलवे की उसमें डब्बों में बैठ के घूमते हुए निकलते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।